आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई का लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक को एक्सप्लेन करूंगा। यह लेसन या यह स्टोरी फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई है। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं या चैनल पे कैसे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना कुछ लोगों की तरह मेरे लिए भी बिल्कुल ही अजीब सा अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉट एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। बल्कि इसलिए भी पसंद नहीं था या अजीब अनुभव था, क्योंकि ना तो मैं ही और ना कोई और आगे चल के मेरे लिखे हुए को, जो कि 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की है, को पढ़ना या उसमें दिलचस्पी लेना पसंद करेगा। ओह वेल, इट डज नॉट मैटर, लेकिन ये कोई बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। मैं राइटिंग को महसूस करती हूँ, लिखना मेरी ज़रूरत है और यह मेरी इतनी बड़ी ज़रूरत है कि मैं अपने दिल में छिपे हुए सारे बातों को, सारी बोझ को डायरी में उतार देना चाहती हूँ। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर में, कागज में लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डे व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिस्प्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चेन इन माई हैंड्स। यह कहावत कि पेपर में पर्सन से या लोगों से कहीं ज़्यादा धैर्य होता है, यह कहावत मैं तब सोचा करती थी, उन दिनों सोचा करती थी जब मैं थोड़ी डिप्रेस्ड थी, थोड़ी खिन्न थी और अपने घर में अपने हाथों पर अपनी ठुड्डी को रख के बैठी हुई थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस। बोर हो रही थी और बिल्कुल ऊर्जाहीन थी, थका थका महसूस कर रही थी। Wondering whether to stay in or go out, इस बात पे आश्चर्य कर रही थी कि कहाँ रुकना है या कहाँ जाना है। I finally stayed where I was brooding, मैं फाइनली वहाँ पे रुकी, वहाँ पे ठहरी जहाँ पे मैं गहराई से सोच रही थी। ब्रूडिंग मतलब गहराई से सोचना। Yes, paper does have more patience, और मेरा यह जो ठहराव था वो पेपर पे आके रुका था। मैंने कहा कि हाँ, पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी। और तब से मैं इस बात की योजना नहीं बना रही थी कि कोई इस जिल्द से बंद नोटबुक को आगे चल के पढ़ेगा, जिसको डायरी कहते हैं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड। यह डायरी मेरे लिए एक सच्चा मित्र थी। डायरी के रूप में मैंने एक सच्चा मित्र पा लिया। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक ए बीट ऑफ डिफरेंस।
इसमें जरा भी भिन्नता नहीं है. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब मैं उस बिंदु पे आती हूँ जिसने मुझे उकसाया एक डायरी रखने के लिए या एक डायरी लिखने के लिए या डायरी को प्रथम वरीयता देने के लिए. I don't have a friend. मेरे पास कोई मित्र नहीं था. Let me put it more clearly. कृपया मुझे इस बात को ज्यादा स्पष्ट रूप से कहने दीजिए. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. क्योंकि इस बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस संसार में बिल्कुल ही अकेली है. And I am not. और मैं भी नहीं. I have loving parents and a 16-year-old sister. मेरे प्यार करने वाले माँ बाप हैं और 16 साल की एक बहन भी है. And there are about 30 people I can call friends. और लगभग 30 लोग भी हैं, 30 लोग भी हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ. I have a family. मेरे पास एक परिवार भी है. लविंग आंट, प्यार करने वाली चाची हैं. एंड ए गुड होम, और एक अच्छा सा घर भी है. नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रूथ, माई वन ट्रू फैक्ट. नहीं, ये सब तो सतही बातें हैं, ये सब मुझे सतही बातें लगती हैं सिवाय एक सच्चे मित्र के. All I think about when I am with friends is having a good time. जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो सिर्फ इतना सोचती हूँ कि मेरा जो समय है वो अच्छे से गुजरे. I can't bring myself to talk about anything but ordinarily everyday things. I can't bring myself to talk about anything. मैं अपने मित्रों के साथ जब होती हूँ तो कोई भी बात अपने जीवन का नहीं कर सकती. बस अपने जीवन की जो साधारण बातें हैं, रोजमर्रा की बातें हैं, वही मैं मित्रों से कर सकती हूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग बहुत निकट नहीं है और यही समस्या है. निकटता के भाव न होना, आत्मीयता के भाव न होना ही समस्या है. यही अकेलापन का एहसास कराता है. मे बी इट इज माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. हो सकता है कि यह मेरी कमी हो, लेकिन हम लोग अपनी व्यक्तिगत बातों को दूसरों से नहीं बताते. इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट लायबल टू चेंज. किसी भी एक तरह से दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि जो भी बात है, जो भी स्थिति है, कैसी है. एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर Not liable to change. और दुर्भाग्य से वे लोग विश्वसनीय नहीं है. This is why I have started the diary. यही सब कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया. To enhance the image of this long awaited friend, in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. To enhance the image of this long awaited friend, is jo ye jo mera mitra hai jo bahut intezar ke baad aaya diary ke roop mein, iski jo image hai
उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं अपनी कल्पनाओं में इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैं नहीं चाहती कि इसमें केवल संक्षिप्त बातों को लिखूं. आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट इन द दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. मैं नहीं चाहती कि जैसा कि अधिकांश लोग डायरी में अपने जीवन के तथ्यों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो इस तरह से लिखना मैं नहीं चाहती थी. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं चाहती थी कि यह जो डायरी है वो मेरा मित्र है, तो सब कुछ मित्र के सामने उड़ेल देना है. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और जो मित्र मुझे मिला है डायरी के रूप में उसका मैंने नाम दिया है किटी. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ आई वेयर टू प्लंज राइट इन. क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरी कहानी का एक शब्द भी नहीं समझ सकेगा जो किटी को मैंने बताया है, क्योंकि मैं बिल्कुल डूब के लिखूंगी, सब कुछ लिख दूंगी. आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज डिसलाइक डूइंग सो. और मैंने इस डायरी में अपने जीवन का बेहतरीन चित्रण किया है मच एज डिसलाइक डूइंग सो. उतना चित्रण किया है उससे भी कहीं अधिक जिसको मैं नापसंद करती थी, जीवन के जिन तथ्यों को नापसंद करती थी उसका भी चित्रण इस डायरी में किया गया है. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. मेरे पिता जो कि बहुत ही प्यारे पिता हैं, जैसा कि मैं पिता लोगों को देखी हूँ उनमें से मेरे पिता बहुत प्यारे पिता हैं. डिड नॉट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25. उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वे 36 ईयर के या 36 साल के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 ईयर या 25 साल की नहीं हो गई. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. मेरी बहन जिसका नाम मार्गोट है वह जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी 1926 में. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जब तक मैं 4 साल की हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. मेरे पिता 1933 में हॉलैंड प्रवास करने चले गए या हॉलैंड चले गए. माई मदर एडिथ हॉलैंड्स फ्रैंक went with him to Holland in September while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक भी मेरे पिता के साथ हॉलैंड गई सितंबर के महीने में, जबकि मार्गरेट और मैं अपनी दादी के यहाँ भेज दिए गए एस्केन में रहने के लिए. Margaret went to Holland in December and I followed the in February. Hence I was plucked down on the table as a birthday present for Margaret. और फिर उसके बाद Margaret दिसंबर के महीने में हॉलैंड गई और फिर मैं उसके पीछे फरवरी के महीने में हॉलैंड गई और मुझे कुछ वहाँ पे इस तरह से टेबल पे रखा गया जैसे मैं मार्गरेट के लिए बर्थडे गिफ्ट थी, मतलब मुझे बर्थडे गिफ्ट के रूप में मेरी सिस्टर ने पाया, मतलब मुझे पाके काफ़ी खुश हुई. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल. मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की. आई स्टेड देयर अनटिल आई वॉज 6. मैं वहाँ पे 6 ईयर की होने तक रही
at which time I started in the first form. उस समय मैं first form में शुरुआत की. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus. Sixth form में मेरी अध्यापिका थी Mrs. Cooperus. The headmistress वह headmistress थी. At the end of the year, we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. और साल के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू थे, हम दोनों ही रो रहे थे. हृदय विदारक अवसर था विदाई का. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 की गर्मियों में मेरी दादी बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन किया गया छोटा सा, और इस कारण से जो मेरा जन्मदिन था वो बहुत ही छोटा सा उत्सव के साथ गुजर गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 में ग्रैंडमा दादी माँ मर गई. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक टू हर एंड स्टिल लव टू हर. कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ या उनसे कितना प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर. द ग्रैंडमा कैंडल वाज लिट अलोंग विथ रेस्ट. और यह जो जन्मदिवस का सेलिब्रेशन था, उत्सव था, 1942 में जो मनाया गया उसमें दादी माँ की भी कैंडल बाकी कैंडल के साथ जलाई गई. द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. अब जो हम चार लोग थे वे अच्छी तरह से थे. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942. और अब जो दिन था वह 20 जून था 1942 का. एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. और फिर मैंने यहाँ से बहुत ही समर्पण के साथ, बहुत ही शांत होकर डायरी लिखना शुरू की. सैटरडे 20 जून 1942. डायरी पे वह पन्ना जो 20 जून 1942 दिखा रहा है. डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बोट्स. हमारी पूरी क्लास डर से और घबराहट से कांप रही है. क्विकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है डर और घबराहट में कांपना. द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. और इसका जो कारण है, निश्चित रूप से होने वाली मीटिंग है जिसमें अध्यापक इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन स्टूडेंट्स, कौन से छात्र अगली क्लास में जाएंगे और कौन से छात्र उसी कक्षा में रहेंगे. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधी कक्षा शर्त लगा रही है. जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट टू बॉयज बिहाइंड. जीएन और मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने आप में हंस रहे हैं उन दो लड़कों पर जो मेरे पीछे या हमारे पीछे बैठे हुए हैं. उनका नाम है सीएन और जैकी. हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड. इन लोगों ने अपने छुट्टियों की जो बचत है पूरी बचत को शर्त पे लगा दिया है. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट इज यू आर गोइंग टू पास. तुम पास होने वाले हो. नो आई एम नॉट. नहीं, मैं नहीं होने वाला हूँ.
यस यू आर, हाँ तुम होने वाले हो. नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होने वाला हूँ. इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. यहाँ तक कि जीएस की जो प्रार्थना वाली नजरें थीं या मेरी विस्फोटक क्रोध भरी नजरें थीं, वे भी उनको शांत नहीं कर सकी. इफ यू आस्क मी, आप मुझसे पूछते हैं, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक. यदि आप मुझसे पूछते हैं, मेरे विचार जानना चाहते हैं, तो कक्षा में ऐसे बहुत से घुदू स्टूडेंट हैं, घुदू छात्र हैं, लगभग एक चौथाई छात्र, जिन्हें उसी कक्षा में रखना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीचर ऑन द अर्थ. लेकिन इस धरती पे अध्यापक सबसे अधिक अनुमान से परे प्राणी हैं. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मैं इस बारे में अपने लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चिंतित नहीं थी. वी विल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे, हम अगली क्लास में पहुंच ही जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ्स. केवल एक सब्जेक्ट था ऐसा जिसमें मैं निश्चित नहीं थी, और वह था मैथ्स. एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट. अब तो हम लोग बस इंतजार ही कर सकते हैं. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट. और तब तक हम लोग एक दूसरे को कहते रहे कि दिल मत तोड़ो. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स. सभी अध्यापकों से मेरे अच्छे संबंध थे, अच्छी बनती थी. देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वीमेन. कुल 9 अध्यापक थे, 9 अध्यापक थे, जिसमें से 7 पुरुष थे और 2 महिला थी. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ्स. मिस्टर फोगी जो कि पुराने फैशन वाले थे और जो मैथ पढ़ाया करते थे. वाज इन्वाइट विथ मी फॉर एजेज बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. वे बहुत समय से मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात किया करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे कुछ अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया. एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स. और यह गृह कार्य था एक एसे लिखना जिसका विषय था ए चैटर बॉक्स. ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. ए चैटर बॉक्स के बारे में आप क्या कुछ लिख सकते हैं. आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर. मैंने इसके बारे में बाद में सोचा. आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन टाइटल इन माई नोटबुक. मैंने निर्णय लिया कि इस बारे में मैं आगे चल के बाद में सोचूंगी. मैंने इसको अपने नोटबुक में लिखा, टक इट इन माई बैग, और फिर इसे अपने बैग में रखा एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और फिर शांत रहने का प्रयास किया. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. उस शाम जब मैंने अपने बाकी होमवर्क कर लिए, बाकी गृह कार्य कर लिए, तब मेरी नज़रें नोटबुक में लिखे हुए निबंध को या ऐसे को देखी. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. मैंने इस विषय पर सोचना शुरू किया जबकि मैं फाउंटेन पेन के टिप को चबा रही थी, या फाउंटेन पेन के टिप को चबाते हुए इस सब्जेक्ट पर सोच रही थी. Anyone could ramble on and leave big spaces between the word. कोई भी व्यक्ति निबंध लिखने में शब्दों के बीच में ज़्यादा
ज़्यादा स्पेस छोड़ सकता है, ज़्यादा स्थान छोड़ सकता है, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन जो मेरी युक्ति थी वह थी कि एक ऐसा समझाने लायक निबंध लिखा जाए, समझाने लायक विचार दिए जाएं, जो साबित करें कि बात करना आवश्यक है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने सोचा, बहुत सोचा, और अचानक ही मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड आई वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 pages लिख डाले जैसा मिस्टर किसिंग ने मुझे दिया था और मैं संतुष्ट थी। आई अर्न दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैंने कहा कि छात्र का तो लक्षण ही होता है बात करना, और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि इसको नियंत्रित करूं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इट नॉट मोर एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। लेकिन मैं अपने इस बातूनी रवैये का या बातूनी आदत का इलाज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा बात करती है। और दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और आप अपने अनुवांशिक गुण को में बदलाव लाने के लिए ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लॉक एट माई आर्गूमेंट बट दे गट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन। मिस्टर किसिंग काफ़ी हंसे मेरे विचारों को देखकर पढ़कर, लेकिन जैसे ही मैं दूसरी क्लास में अपनी आदत के अनुसार बात करना शुरू की, ये साइन मी ये सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा निबंध दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। इस बार जो निबंध या जो ऐसे मुझे दिया गया था वह था एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, एक असंशोधनीय चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। मैंने इसे लिया और पूरा किया इस असाइनमेंट को, और मिस्टर किसिंग कुछ भी शिकायत ना कर सके। अगले दो क्लास तक उन्होंने कुछ भी नहीं शिकायत कर पाए। However, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ एंड फ्रेंकी एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास। राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। लेकिन तीसरे लेसन में मिस्टर किसिंग के लिए असहनीय हो गया था, अत्यधिक हो गया था मेरा बात करना। उन्होंने कहा कि एनी फ्रैंक, तुम्हें सजा दिया जाता है बात करने के लिए, क्लास में बात करने के लिए, और तुमको एक एस्से लिखना है जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। द क्लास रोड। इस असाइनमेंट पर पूरे क्लास में ठहाका लगा, सभी हंस पड़े। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, क्योंकि मैंने लगभग अपनी मौलिकता को खत्म कर दिया था चैटर बॉक्स लिखने में, क्योंकि दो ऐसे मैं चैटर बॉक्स से संबंधित लिख चुकी थी, जो मेरी मौलिकता थी वो समाप्त हो चुकी थी।
इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स. अब समय आ गया था कुछ नया करने का, कुछ नया लिखने का. समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक. माई फ्रेंड सैनी हु इज गुड एट पोएट्री. मेरी मित्र सैनी जो कि कविता लिखने में अच्छी है. ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स. उसने मुझे यह ऑफर किया कि वह एसे को एक कविता के रूप में लिखेगी. एंड आई जंप्ड फॉर जॉय. और मैं खुशी से कूद पड़ी, उछल पड़ी. मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. ये जो मिस्टर किसिंग हैं वो प्रयास कर रहे हैं एक हास्यास्पद सब्जेक्ट देकर मेरा मजाक बनाने का, लेकिन मैंने उसी विषय पर उन्हीं का मजाक बना दिया. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. मैंने कविता को पूरा किया और यह बहुत ही सुंदर कविता थी. इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ थ्री बेबी डकलिंग्स हु वेयर बीटन टू डेथ बाई द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. और यह जो कविता थी एक मदर डक माँ बत्तख की थी और एक फादर स्वान भी थे और तीन डकलिंग्स थे, उनके तीन बच्चे थे जिनको पीट पीट कर मार दिया गया था फादर स्वान के द्वारा. और मरने का कारण था कि वे बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे. लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे. किस्मत से मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को बहुत ही सही तरीके से लिया. He read the poem to the class. उन्होंने इस कविता को क्लास में पढ़ा. Adding his own comment, अपनी टिप्पणियाँ भी दी. And to several other classes as well. और किसी तरह से दूसरी कक्षाओं में भी कविता को सुनाया. Since then I had been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. तब से मुझे क्लास में कक्षा में बोलने की या बात करने की अनुमति दे दी गई और फिर मुझे कोई अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दिया गया. ऑन द कॉन्ट्रे मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग ए जोक दिस डे. बल्कि इन दिनों मिस्टर किसिंग ही हमेशा मजाक किया करते थे.